नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। देखिए, सामने आपको दिख रहा है ये हमारा अक्टूबर सीरीज के लिए अभी तक का पीएनएल, जो रिगी चैनल में और जो हमारा सपोर्ट ग्रुप है वहां पर जो हम स्ट्रेटजीज देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, बहुत कम स्ट्रेटजीज दिए हैं इस बार, केवल 12 स्ट्रेटजीज में ही काम करा है। लास्ट मंथ का अगर देखेंगे तो लास्ट मंथ सितंबर में हमें 35,000 का प्रॉफिट था। अभी तक ये जो स्ट्रेटजी हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं कितना, 39,000। ये यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ 39,000 का ये हम प्रॉफिट अभी तक ले चुके हैं अपनी स्ट्रेटजीज में। सही है, 39,000 का प्रॉफिट अपनी स्ट्रेटजीज में हम ले चुके हैं। ये सामने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, निफ्टी में हमने 7,600 लिया, जबकि निफ्टी में हमें काफी अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा था एक बार, लेकिन बुक नहीं करा। लेकिन हमारा ये मोटो रहता है कि हम लॉस में नहीं जाए, इसलिए ये स्ट्रेटजी हमने स्क्वायर ऑफ करी थोड़े से प्रॉफिट में। यहाँ हमारे को 600 समथिंग का लॉस है, यहाँ 18,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 6,000 के आसपास प्रॉफिट है, यहाँ 1,200 के आसपास प्रॉफिट है, और यहाँ 5,600 के आसपास प्रॉफिट है। और अगर आप देखेंगे यहाँ बैंक निफ्टी के मंथली जो स्ट्रेटजी है, यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क हमने कितना लिया है, ये रिस्क जो है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज में जाके ये देखिए, बैंक निफ्टी की एक स्ट्रेटजी हमारी रनिंग चल रही है। इस स्ट्रेटजी में क्या होगा, 14,000 के आसपास प्रॉफिट हम ले चुके हैं अभी तक। ट्रेड हमारा गलत हुआ, हमारा व्यू क्या था, हमारा व्यू था 38,000 के आसपास एक्सपायरी आएगी, मंथली एक्सपायरी। सही है, हमारा व्यू था 38,000 के आसपास मंथली एक्सपायरी आएगी, लेकिन बाजार कहाँ चले गया, 41,000। तो भी हमने संभाल के अपने ट्रेड्स को संभालते हुए अभी तक जो है 14,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है, पूरा समझिएगा इसे। और यहां पर अगर 42,000 के ऊपर अगर एक्सपायरी होती है तो 38,000 का हमें नुकसान हो जाएगा इसमें, 38,700 का, कितना 38,700 का हमें लॉस हो जाएगा, जिसमें से 42,000 हम सॉरी 14,250 हम ले चुके हैं। सही है, कितना ले चुके हैं, 14,000। तो बैलेंस अमाउंट कितना होता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 500 कर लेता हूं मैं, और यहाँ कर लेता हूं कितना, 24,500 600 के आसपास हमें नुकसान हो जाएगा। मींस मोटा मोटा अगर मैं पकड़ूं तो 25,000 के आसपास हमें बैंक निफ्टी के ट्रेड में नुकसान होगा, अगर बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर एक्सपायरी देता है। सही है, लेकिन अभी हमारे पास दिन है एडजस्टमेंट के, ये लॉस को और कम करने के लिए, ये जो हमारा 25,000 का लॉस है इसे और कम करने के लिए हमारे पास अभी दिन बचे हैं, हम और कम कर सकते हैं रिस्क अपना। सही है, तो वो देखेंगे कि क्या रहता है। शुरुआत मंडे के दिन तो काफी, सॉरी कल मुहूर्त ट्रेडिंग में काफी अच्छा ऊपर रहेगा बाजार, तो ऊपर रहेगा तो वहां पर हमने कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे जिससे हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करें। तो ये जो रिस्क है अभी अगर मैं पकड़ता हूँ, पूरा 100% रिस्क अगर मैं पकड़ता हूँ, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं अपने ट्रेड में, तो यहाँ पर होगा 25,000 के आसपास का रिस्क हमारा। सही है, बैंक निफ्टी के ट्रेड में, बैंक निफ्टी का ट्रेड जो अभी हमारा चल रहा है ये मैक्सिमम रिस्क रहेगा। इसके अलावा हम 14 के आसपास समथिंग प्रॉफिट ले चुके हैं, लेकिन हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के, अब हमारे को जो हमारी स्ट्रेटजी है उसमें प्रॉफिट को नहीं देखना है, हमने हमने क्या देखना, अपने रिस्क को, ये जो रिस्क है इसे कम करना है, इसे कम कर लेंगे हम कल के कल कम कर लेंगे। सही है, बाकी हमने प्रॉफिट लिया है इसमें अच्छा खासा। अच्छा, डाबर की स्ट्रेटजी है, इसमें मैक्सिमम रिस्क जो है अब हमारा 4,600 के आसपास होगा, इससे ज्यादा रिस्क नहीं है। रिलायंस में 1,800 के आसपास रिस्क है हमारे स्ट्रेटजी में, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए आए हैं ऊपर, लेकिन इतना ही रिस्क है, लेकिन इसे भी एडजस्टमेंट करने के लिए अभी हमारे पास टाइम है। इसके अलावा टीसीएस हो गया, एचयूएल, एचयूएल अब कहीं भी जाए, ऊपर नीचे कहीं भी जाएगा, हमारा जीरो रिस्क पर है, ये तीनों, एचयूएल भी जीरो रिस्क पर है, लेकिन एचयूएल में प्रॉफिट हमें 1,200 के आसपास ही मिलेगा। इन्फोसिस भी जीरो रिस्क पर है, यहाँ 4,000 के आसपास प्रॉफिट मिलेगा। और ये है अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक भी जीरो रिस्क पर है, यहाँ 1,100 के आसपास प्रॉफिट मिलेगा। तो ये प्रॉफिट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हम अपने ट्रेड में गलत होते हैं तो उसे सही करने की कोशिश हमने करी है यहाँ पर। तो हमारा मोटो क्या है यहाँ पर, कि हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड ऑफ द मंथ में बचे, नुकसान नहीं हो। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो 39,000 के आसपास प्रॉफिट हम ले चुके हैं, और ये भी हमारा प्रॉफिट आएगा, ये यहाँ 1,200 के आसपास आ जाएगा, यहाँ 4,000 आ जाएगा, यहाँ 1,100 के आसपास आ जाएगा प्रॉफिट, इतना आना ही आना है। तो ये 45,000 के आसपास हमें प्रॉफिट हो जाएगा, जिसमें से अगर मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ कुछ भी, आज की तारीख में अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे इसमें, तो हमारा 31,000, 45,000 में से 31 चले जाएगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। सही है, 31,000 चले जाएगा, ऐसा होने नहीं देंगे, यहाँ पर हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करेंगे, अपने रिस्क को कम करने की कोशिश करेंगे, कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर मिले।
ये स्ट्रेटजीज जो है, देखिए ये जो स्ट्रेटजीज हैं, ये स्ट्रेटजीज कहाँ पर मिलती हैं आपको? ये हमारे रिगी टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं, और हमारा स्टूडेंट सपोर्ट ग्रुप है वहां पर मिलती हैं। सही है, स्टूडेंट सपोर्ट ग्रुप और रिगी में मिलती हैं, तो आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज थोड़ा सा एजुकेशन पर्पज के हिसाब से जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा वहां पर आपको। क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्या करा, क्या एडजस्टमेंट करा, जब आप उस पर स्टडी करोगे खुद से तो आपको काफी कुछ सीखने के लिए वहां मिलेगा। सही है, तो ये हमारी स्ट्रेटजीज हैं अभी तक की। लास्ट मंथ का मैंने आपको बताया पूरा 35 के आसपास हमें प्रॉफिट था, ये महीने में ज्यादा नहीं है, लेकिन हम कुछ ना कुछ एक डिसेंट से प्रॉफिट में फिर भी रहने की कोशिश करेंगे। ओके, और कल सब लोग तैयार रहिएगा, कल मैं स्ट्रेटजी दूंगा किसमें, निफ्टी में। निफ्टी में मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हम स्ट्रेटजी देंगे, निफ्टी की स्ट्रेटजी रहेगी जहां पर काफी अच्छा प्रॉफिट हम लेने की कोशिश करेंगे। अगर मैं उस स्ट्रेटजी की बात करूं तो 4% के आसपास हमें प्रॉफिट दे देता है वो स्ट्रेटजी। सही है, ये जो स्ट्रेटजी रहेगी हमारी निफ्टी की लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटजी जो है, निफ्टी लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटजी, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, निफ्टी की लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटजी 4% से 6% के आसपास मंथली बेसिस पे हमें बना के देती है ये स्ट्रेटजी। तो ये स्ट्रेटजी मैं स्टार्टिंग करूंगा, स्ट्रेटजी पूरी स्ट्रेटजी नहीं रहेगी लेकिन स्टार्टिंग कर देंगे हम इसकी स्ट्रेटजी बनाने की कल से। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर रिगी चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा। क्या ज्वाइन कर लीजिएगा? रिगी चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसे भी ये स्ट्रेटजी में इंटरेस्ट होगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।